दोस्तों आज पूरे 12 दिन हो चुके हैं जब से हमारा चंद्रयान 3 लगातार चांद की उस अंधेरी दुनिया में एक गहरी नींद में सो रहा है और हर एक भारतीय इस इंतजार में है कि आखिर वह दिन कब आएगा जब एक बार फिर से हमारा चंद्रयान 3 मिशन अपनी नींद से जागकर पूरी दुनिया को हैरान करेगा। लेकिन अभी इसरो की ओर से एक बड़ी खबर आ रही है कि हमारे विक्रम लैंडर ने स्लीप मोड में ही चंद्रमा के सतह से ही ऐसे रहस्यमय सिग्नल को डिटेक्ट किया है, जिसे सुनकर अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा भी हैरानी में है कि आखिर विक्रम लैंडर को यह सिग्नल कैसे मिला जिसे नासा पिछले 50 सालों से नहीं ढूंढ पाया। तो दोस्तों आखिर विक्रम के इस मैसेज में ऐसा क्या राज छिपा है जिसे दुनिया का कोई भी देश किसी भी हालत में पाने के लिए तैयार है? चांद का ऐसा कौन सा रहस्य है जिससे हमारा चंद्रयान 3 बहुत जल्द पर्दा उठाने वाला है? तो आइए साथियों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। दोस्तों 4 सितंबर का दिन वह आखिरी दिन था जब हमारे चंद्रयान 3 के रोवर ने चांद पर चहलकदमी की, क्योंकि उस दिन के बाद चंद्रमा पर सूरज ढलने वाला था। इसलिए हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने समय रहते ही विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को एक दूसरे के पास खड़ा कर उन्हें स्लीप मोड में डाल दिया। दरअसल हमारा लैंडर और रोवर दोनों बैटरी के द्वारा ऑपरेट होते हैं, जिन्हें चार्ज करने के लिए उन पर सोलर पैनल का उपयोग किया गया है। लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रात होने के बाद घना अंधेरा छा जाता है, जिसमें इन्हें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलेगी। इसीलिए इन दोनों के कंप्यूटर सिस्टम को हमारे वैज्ञानिकों ने शट डाउन कर दिया है, ताकि जब 15 दिनों बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर फिर से सूरज की रोशनी पड़ेगी तो इन दोनों सूरबीरों को आसानी से चालू किया जा सके। हालांकि दोस्तों विक्रम लैंडर पूरी तरह से स्लीप मोड में नहीं है, बल्कि उसके कुछ सेंसर और सिग्नल एंटीना अभी भी ऑन है, जिनके माध्यम से हमारे वैज्ञानिक अभी भी लगातार चंद्रमा से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों आज से 4 दिन बाद 22 सितंबर को यह दोनों सूरवीर फिर से चंद्रमा पर अपनी खोजबीन चालू कर देंगे। लेकिन कल विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के कुछ ऐसे डेटा भेजे हैं जिसे देखकर हमारे वैज्ञानिक भी डर के माहौल में आ गए हैं। दरअसल दोस्तों विक्रम के डेटा के अकॉर्डिंग 14 सितंबर की रात चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सबसे ठंडी रात थी, जिस वजह से वहां की सतह का तापमान -270 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच गया। यह अब तक का सबसे कम तापमान है जिसे विक्रम लैंडर ने रिकॉर्ड किया है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट के मिलते ही इसरो के वैज्ञानिकों में खलबली मच गई, क्योंकि -250 डिग्री के नीचे तापमान में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सही सलामत बचना काफी मुश्किल है। ऐसे में वैज्ञानिकों को इस बात का डर सता रहा है कि अगर विक्रम और प्रज्ञान के अंदर लगे कंप्यूटर सिस्टम में कोई खराबी आ गई तो वह दोनों फिर से कभी चालू नहीं होंगे और हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। इसरो के एस सोमनाथ ने बताया है कि हमने पहले ही हमारे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की टेस्टिंग -200 डिग्री सेल्सियस तापमान में की है। ऐसे में अभी इस बात की संभावना है कि हमारे वह दोनों सूरवीर उस भयानक ठंड को भी सहने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों 14 तारीख के बाद से चांद की उस जगह पर अब तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा है। ऐसे में हमारे चंद्रयान 3 की सबसे मुश्किल घड़ी टल चुकी है। अब हमें इंतजार है सिर्फ 22 सितंबर के दिन, जब हमारा प्रज्ञान रोवर सूरज की पहली किरण के साथ फिर से चांद की उस दुनिया में दौड़ने लगेगा। लेकिन दोस्तों अभी हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि विक्रम और प्रज्ञान के कंप्यूटर सही सलामत है भी या नहीं। दोस्तों आप भी कमेंट बॉक्स में हमारे चंद्रयान की सलामती के लिए दुआएं जरूर कीजिएगा। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि विक्रम लैंडर के भेजे गए उस रहस्यमय सिग्नल में ऐसा क्या मिला जिसे अमेरिका पिछले कई सालों से ढूंढ रहा था। दरअसल दोस्तों जिस वक्त चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दिन का समय था, तब वहां का तापमान हमारी पृथ्वी जितना ही था। इसलिए जब हमारे विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह के नीचे पानी की मौजूदगी की जांच की तो पता चला कि सतह के मात्र 10 सेंटीमीटर नीचे की मिट्टी में ही नमी मौजूद है, जो कि एक छोटे पौधे को रेगुलर पानी प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन अब वहां पर रात हुई तो हमारे विक्रम लैंडर ने एक बार फिर से चंद्रमा की मिट्टी का सैंपल लिया तो बहुत ही चौंकाने वाला नतीजा सामने आया। दरअसल दोस्तों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान में गिरावट आई तो सतह के नीचे छोटी छोटी मात्रा में बर्फ के टुकड़े जमा हो गए। यानी बहुत कम तापमान की वजह से मिट्टी में मौजूद नमी ने
बर्फ का रूप ले लिया। और जैसे ही यह जानकारी इसरो ने दुनिया के सामने रखी तो नासा भी हैरानी में पड़ गया। दोस्तों, इस बात की जानकारी निकालने वाला भारत पहला देश बन चुका है और यह खोज इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसकी मदद से चंद्रमा पर स्पेस स्टेशन बनाने का 50% काम पूरा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, पानी की मौजूदगी किसी भी जीवन सभ्यता के लिए सबसे जरूरी पहलू है। ऐसे में अगर वैज्ञानिक भविष्य में कृत्रिम रूप से तापमान को कम करके चंद्रमा की जमीन के नीचे से बर्फ निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो वहाँ पर रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की पानी से जुड़ी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और पूरी दुनिया भर की स्पेस एजेंसी अपने अंतरिक्ष यात्रियों को आसानी से चंद्रमा पर भेज पाएगी। दोस्तों, यह खोज आज तक के मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज में से एक है जिसे भारत के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले दुनिया के सामने रखा। मगर दोस्तों, अभी की बात करें तो इस समय चांद के दक्षिणी ध्रुव का तापमान काफी ज्यादा कम हो गया है जिससे उसकी बैटरी खराब होने की संभावना भी बढ़ गई है। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने इसकी बैटरी में काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जिससे वह इतनी आसानी से खराब नहीं होने वाली। लेकिन -250 डिग्री की ठंड को झेल पाना इतना भी आसान नहीं है। अगर हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की बैटरी सही सलामत रहती है तो यह एक बार फिर से चांद पर रिसर्च करना शुरू कर देगा और इस बार वहाँ पर हाइड्रोजन गैस की तलाश की जाएगी जो कि रॉकेट फ्यूल का मुख्य तत्व है। दोस्तों, इस वक्त जो तस्वीर आप लोग अपने मोबाइल फोन पर देख रहे हैं यह विक्रम लैंडर की है जिसे हमारे प्रज्ञान रोवर ने अपने हाई रेजुलेशन कैमरे द्वारा कैप्चर किया है। आपको बता दे कि यह तस्वीर उस समय की है जब चांद पर रात होने वाली थी और रोवर वापस लैंडर में जा रहा था। इसमें आप देख रहे हैं कि चांद की सतह पर अंधेरा होने के कारण वह कितनी चमकदार दिखाई दे रही है। जिस समय चंद्रयान का प्रज्ञान रोवर चांद पर रिसर्च कर रहा था तो उस वक्त चांद का तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच था। ऐसी कंडीशन में रोवर को जितना समय मिल पाया उसने कई सारे तत्वों की खोज की और वहाँ के जानकारी को वैज्ञानिकों तक भेजा और साथ ही वहाँ के प्लाज्मा रेडिएशन के बारे में भी स्टडी करके विक्रम लैंडर को जानकारी दी। अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 22 सितंबर के दिन फिर से सूरज निकलेगा और सूरज की पहली किरण पड़ने पर हमारा प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोनों जग जाएंगे। अभी वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सारे आउटपुट सिग्नल को ब्लॉक कर दिए हैं, केवल इनपुट सिग्नल को चालू रखा गया है ताकि जब 22 सितंबर को उस जगह पर सुबह हो तो वैज्ञानिकों के द्वारा रेडियो सिग्नल के जरिए दोबारा से चंद्रयान को जगाया जा सके और अगर विक्रम लैंडर सही सलामत रहा तो रेडियो सिग्नल का जवाब वापस धरती पर आएगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 एक बार फिर से चालू होगा और चांद पर नई रिसर्च को अंजाम देगा। तब तक आप सभी लोग चंद्रयान 3 के दोबारा जगने की शुभकामनाएं कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही उस बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना ना